मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। एक बेटा है, उसकी नजर आखिरी स्टेज पे है। एक बेटी अब नॉर्मल है, हार जाती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाती हूँ कि मैं किसी से हाथ यूं करके मांग सकूं। आपने कभी भी एहसास प्रोग्राम के लिए या किसी और पैकेज के लिए कभी अप्लाई नहीं किया? मुझे कोई रसाई नहीं मिली उनसे। मैंने बहुत बाकी बहुत धक्के खाए। मैंने जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना, तब भी मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी अजीम बाहिम्मत वालिदा से करवाने जा रही हूँ जिनके शोहर तो नहीं है लेकिन उनके 3 बच्चे, 1 बेटा और 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी माजूर है, एक बेटा जो नहीं सुन सकता और नज़र भी उसकी आखिरी स्टेज पे है। ये वालिदा इस उम्र के हिस्से में अपने 3 बच्चों की हक हलाल से कफालत कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है कि उम्र के इस हिस्से में ये एक पॉपकॉर्न सेल कर रही हैं, दिन रात मेहनत करती हैं अपने बच्चों के लिए और घर को भी साथ में संभाला हुआ है। इनसे जानते हैं कि इसके पीछे असल कहानी क्या है और आखिर ये इतनी हिम्मत इनमें कैसे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अल्लाह रखी है। ये पॉपकॉर्न सेल कर रही हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं? या नहीं है। बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, उसकी नज़र आखिरी स्टेज पे है, कानों से सुनाई देना बंद हो गया है। एक बेटी अब नॉर्मल है, 22-23 साल की है, एक छोटी बेटी है। तो मियाँ मेरे नए नशे के आदि थे, वो नशे की हालत में उनका इंतकाल हो गया। कितने साल पहले? तकरीबन सन 2008 में। उसके बाद से आप अकेली ही बच्चों को संभाल रही हैं? मैं उससे पहले से ही मतलब अपने बच्चों को खुद ही कर रही, मेहनत मजदूरी करके इनको संभालना पालना पढ़ाना मैं सारा खुद ही कर रही हूँ। क्या करती थी उससे पहले? उससे पहले यही कोई छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता, कोई घर का, कोई किसी भी किस्म का, तो वो मैं कर लेती थी। जैसे कि क्या क्या काम किया हुआ? जय घरों का काम किया हुआ है और एक इधर हॉस्टल था वहाँ मैं जॉब करती रही हूँ। वहाँ सैलरी नहीं टाइम पे देते थे, फिर इन पे आके भी मतलब वो जॉब से फारिग हो गए, उन्होंने निकाल दिया। अब ये है कि ये पॉपकॉर्न वगैरह साथ में मैं मिलके अपने बच्चे के साथ ये काम कर रही हूँ। अच्छा, ये आपने इस पॉपकॉर्न ही क्यों सेल करने का सोचा? कोई मुझे ये काम इजी मिला नहीं कि मैं अपनी हिम्मत के बलबूते पे कर सकूं। कुछ उम्र का तकाजा है, अपनी जिस्मानी कुव्वत के मुताबिक अब ना तो घरों का काम होता है ना कोई ज़्यादा हार्ड काम कर सकती हूँ। तो ये है कि ये थोड़ा बंदा चल फिर के थोड़ा बहुत कर सकता है। घर अपना है या किराए पे रहता? किराए पे। कितना किराया? 8,000। वो कैसे पूरा होता है? बस ऐसे ही, कभी इधर से पकड़ लिया उसको दे दिया, उधर से पकड़ लिया इसको दे दिया, कभी कोई कभी दे देते हैं किराया, कभी रह जाता है। कोऑपरेट करते हैं मालिक मकान? हाँ जी, करते हैं मेरे साथ, कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। कितने साल से आप इस इलाके में रह रही? 15-16 साल से यहीं पर हूँ, इसी रोड पे। रोज़ाना की बेस पे कितने सेल हो जाते? तकरीबन कभी हो जाए तो 1500 भी हो जाता है, कभी 1000, कभी 800, कभी कभी 2000 तक भी चली जाती है बात कोई लग जाए काम तो। पॉपकॉर्न से? पॉपकॉर्न से। अच्छा, और इस पे खर्चा कितना आता है, क्योंकि जाहिर आप लेती भी होंगी ना? जी, 300 की रोज़ की गैस डल जाती है। तकरीबन मकई जो है वो 300 रुपये किलो तक मिल रही है, इससे ज़्यादा की मतलब किलो है, तो ज़ाहरी बात है वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और घर के बिल भी हैं, घर के आप बिल भी हैं साथ में, गैस का बिल है, पानी का बिल है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? नहीं होती हैं मैनेज, नहीं होती। मैं हार जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, नहीं कर पाती, हिम्मत नहीं कर पाती हूँ कि मैं किसी से हाथ यूँ करके मांग सकूँ। कोई बहन भाई ऐसा, कोई खानदान में ऐसा जो मदद करे? नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है। मेरी बहन भी नहीं है, भाई है, वो भी अपने दायमी मरीज है, बहुत उनका भी कारोबार नहीं है, बच्चे हैं छोटे उनके,
नहीं कर सकते हैं, वो मेरे साथ आओ। अच्छा, आपने कभी भी एहसास प्रोग्राम के लिए या किसी और पैकेज के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है, कभी ऐसी कोई हेल्प नहीं? अप्लाई किया लेकिन मेरी कोई रसाई नहीं की गई, मुझे कोई रसाई नहीं मिली उनसे। मैंने बहुत बाकी बहुत धक्के खाए हैं मैंने मेरे, लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनी। मेरे पास उनकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनी। ये कितने घंटों बेचती हैं? ये सुबह तकरीबन कोई 12 बजे निकालते हैं, रात 10 बजे तक लेके घूमते हैं इसको। बच्चे फिर क्या करते हैं पीछे? बस ये है कि बेटी जो मजदूर है उसको खाना वगैरह खिला के जाती हूँ, कोई वापसी पे आते जाते घर चक्कर लगा लेती हूँ तो थोड़ा बहुत देख जाती हूँ उनको। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें तो एक औरत के लिए कुछ बाहर निकल के काम करना ही बहुत मुश्किल है, तो कैसे लोग अच्छे मिलते हैं? बस मिलते हैं, कोई अच्छे भी हैं बीच में बुरे भी हैं, 50-50 हैं आजकल, अच्छे कम और बुरे ज़्यादा हैं। क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे बेटे को कानों से सुनाई नहीं देता, उसकी नज़र आखिरी स्टेज पे है, लो विजन है, तो चलो उसको दिखाई इतना कम देता है, चलो उसके कान का ऑपरेशन हो जाए, जाते कि उसके कान का ऑपरेशन हो, उसको सुनाई देने लग जाए, कम से कम उसको सुनाई तो दे, अगर दिखाई इतना कम देता है तो। मेरी सबसे ये अपील है कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे लिए जो भी जैसा भी ताउन कर सके, कोई भी ताउन कर सके। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि आप सुबह से लेकर शाम या रात तक सिर्फ ये पॉपकॉर्न ऐसे सेल करती हैं, कोई और भी काम ऐसा है जो साथ में करती हैं? नहीं, और कोई काम नहीं मेरे पास, सिर्फ ये यही काम है। हमसाए कैसे? हमसाए अच्छे हैं, मतलब इंसान खुद अच्छा है तो उसके साथ सारे ही अच्छे हैं। खाना बना के जाती हैं? हाँ, मैं दोपहर को मतलब सुबह को नाश्ता करवा के जाती हूँ, दोपहर के लिए रोटी बना के रख देती हूँ। जो एक बेटी आपकी नॉर्मल है वो क्या करती है? वो भी मतलब घर का काम वगैरह कर लेती, देख लेती है वो घर को। हाँ जी, जो मेरे करने वाला होता मैं कर लेती हूँ, जो उसके करने वाला होता वो कर लेती हूँ। ये आपने खुद खरीदा था, ये जिसका ठेला है? ये मैंने खुद ही खरीदा था, उधार लिया था, थोड़े थोड़े करके पैसे उनको देते रहे। अखराजात तो जाहिर है नहीं पूरे होते हो? नहीं होते। कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा शख्स जो आया और कहा हो कि बीबी अब मैं आपके लिए करूँगा ये सब? नहीं करते, किसी ने नहीं किया आज तक, कभी किसी ने नहीं पूछा। जब से मैंने अपने बच्चों को लेके चली हूँ ना, तो मैं अकेली ही चली हूँ अल्लाह के सहारे, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई और काम ऐसा है जो आप कर सकती हैं या करना चाहती हैं? मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई है नहीं। मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया था कि बेटा एक जगह पे चलो खड़ा रहे, जो रोजी रोटी मिलेगी ले आएगा, तो मुझे कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा काम मिले जो मैं इजी अपनी एज के हिसाब से कर सकूँ, क्योंकि अब वो हिम्मत वो ताकत नहीं रही कि मैं ज़्यादा हार्ड काम कर सकूँ। लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि जब तक मेरी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक इनके लिए मेहनत करूँ, और मैं मेहनत करना चाहती हूँ। किस कदर अजीम माँ है आप कि मैं देख रही हूँ कि एक बेटा है वो सुन नहीं सकता, आईसेड उसकी वीक है, आप बता रही हैं एक बेटी माजूर है और एक बेटी नॉर्मल है, और ये वालिदा हैं, मेहनत मजदूरी से पैसे कमा रही हैं। उन खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो मेहनत मजदूरी की तरफ नहीं आते, गलत रास्तों का इख्तियार कर लेते? नहीं, गलत रास्ता कभी नहीं, हमारे दीन में हमारे इस्लाम में ये बिल्कुल नहीं कहा गया, आप आधी खा लो भूखे रह लो लेकिन गलत काम की तरफ मत जाओ। मेरा तो ये मानना कि अल्लाह बंदे को देता है, चाहे किसी वसीले से भी देता है, हक हलाल की कमा के खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, क़यामत के दिन आप अपने बच्चों के देनदार ना हो, अल्लाह के देनदार ना हो, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम फरमाए, हक हलाल की कमा के खाना वो भी एक इबादत है। ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा है? नहीं है, कभी किया ही नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ से आती? जब टूट के बिल्कुल बिखर जाती हूँ ना, तो मेरा अल्लाह मुझे खड़ा करता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना, तब भी मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। बेशक इसका वादा अल्लाह पाक ने किया, मुझे घर से निकाल दिया था, तब मेरी बेटी 2 माह की थी,
मैं तब से लेके इनको घर से निकली हूँ, तब से लेके अब तक मेहनत कर रही हूँ। और माशाल्लाह मेरी वो बेटी 19 साल की हो गई, 19-20 की, तब से मेहनत कर रही हूँ। कभी किसी से कोई गिला नहीं किया, ना अपनों से ना बेगानों से, जो भी मांगती हूँ अपने अल्लाह से मांगती हूँ। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसी से जो बात करनी मैं अपने अल्लाह से बात करती हूँ। मेरा अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आप बिल्कुल परेशान ना, और रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ हर इंसान से बेशक। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।